करंट आपकी क्या है, आई ई एमीटर करंट, और इनपुट वोल्टेज क्या है आपका, वी बी ई वी बी। कॉन्स्टेंट क्या है आपका, आउटपुट वोल्टेज। कॉन्स्टेंट क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये जो देखिए ये बेसिक है, ये जो है आपका फिगर, ये बेसिक है, ये सबके लिए लागू होगा, ये आपको समझने के लिए। और इस बेसिक की मदद से मैं यहाँ कहाँ निकाल रहा हूँ, आपके कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, कॉमन बेस के लिए। अब यहाँ देखिए आई एट आउटपुट, आउटपुट की करंट, आउटपुट में करंट क्या है देखिए, आई सी, क्या है आई सी। तो यहाँ क्या बना दूंगा मैं, आई सी। ये क्या है आउटपुट का वोल्टेज, आउटपुट में वोल्टेज क्या है, वी बी सी। यहाँ क्या मैं लिखूंगा, वी बी सी। और हमें यहाँ कांस्टेंट क्या रखना है, इनपुट करंट। क्या कांस्टेंट रखना है, इनपुट करंट। तो यहाँ मेरी कांस्टेंट क्या रहेगी, इनपुट करंट मेरी क्या है, आई ई। क्या कांस्टेंट रहेगी, आई ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनपुट करंट कांस्टेंट रख के करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बनाओगे। ये किसका बन गया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। किसका बन गया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। तो अभी तक आपने क्या देखा, आपने सिंबल देखा, कॉन्फ़िगरेशन देखिए। कॉन्फ़िगरेशन में अभी आपने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एनपीएन में कैसे बनाना है, पीएनपी में कैसे बनाना है विद सिंबल। और उसके बाद आपने देखा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का कैसे बनाना है और आउटपुट, इसको नोट करेंगे। इसके बाद अब हम लोग बताएंगे कि आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना है, एनपीएन में भी पीएनपी में भी। और फिर बताएंगे कि उसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का कैसे बनाएंगे और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। बिना इसको ख़त्म किया अब क्या समझेंगे हम लोग, कॉमन एमिटर। क्या समझेंगे, कॉमन एमिटर। ये जो भी चीज़ लिखी हुई है इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, जिससे आप कंपेयर करके आगे उसको कर सकेंगे। अब हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, अब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, कॉमन एमिटर। बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है करंट की डायरेक्शन में ही, कि करंट आ कहाँ से रही है और जा कहाँ को रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सब आपको समझना पड़ेगा, बेसिक हैं, बेसिक क्लियर रहेंगे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम समझेंगे कॉमन एमिटर, ठीक है। एमिटर को क्या कर रहे हैं, अब हम कॉमन कर रहे हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैं सिंबल के संग ही शुरू करता हूँ। ये मेरा हो गया सिंबल कि मैं एनपीएन पीएनपी दोनों एक संग करूँगा ना। दूसरे बोर्ड पे मैं सिर्फ वसिफ अगर जाऊँगा तो मैं इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए जाऊँगा, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एनपीएन से, और मैं बगल में क्या बनाने वाला हूँ, पीएनपी, दोनों को एक संग बनाऊँगा ना। अब बच्चे समझदार होंगे, यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका, सिंबल हो गया। ये मैं क्या बना रहा हूँ, सिंबल। ये क्या बन गया आपका, बेस। क्या बन गया, बेस। ये निकाला एक, ये निकाला दूसरा, ये निकाला बेस का। ये क्या है आपका, एन पी एन, एमीटर बेस और ये कलेक्टर। बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिएगा कैसे निकाला मैंने, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। कैसे पता चलेगा एमीटर है, एरो से पता चलेगा। एरो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव से निकलना चाहिए, तो ये एरो मेरा ऐसे निकल जाएगा। ये मेरा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन गया, एनपीएन का। किसका बन गया, एनपीएन का। सिमिलरली पीएनपी के लिए बनाता हूँ, ये निकला एक, ये निकला दूसरा, ये निकल गया बेस। ये क्या है, पीएनपी। अब बात करूँ तो क्या है, ये है एमीटर, ये क्या है बेस, ये क्या है कलेक्टर, ठीक। दिख रहा है बच्चों, क्लियर आ रही है। अभी ये देखिए एमीटर पूरा नहीं हुआ है, इसमें एक छोटी सी चीज़ छूट गई है। क्या छूट गई है, एरो। सब बस ये एरो कहाँ से जाएगा, अंदर की तरफ। अब ये क्या बन गया, पीएनपी, और वो क्या बन गया, एनपीएन। बेसिक आप लोग पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ गया। अब आप इसकी बायसिंग करोगे, बायसिंग का मतलब वोल्टेज लगाना सीखोगे। देखो बच्चों होता क्या है ना, शुरू में लगता है समय समझने में बेसिक को, और जैसे ही आप बेसिक समझ जाओगे तो आपको समय नहीं लगेगा, आप फर्राटे से उसको करने लगोगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया है हमें क्या करना है, इसको इनपुट को क्या करना है, फॉरवर्ड, वेरी गुड। इनपुट को क्या करना है हमको, फॉरवर्ड, और आउटपुट को क्या करना है, रिवर्स, ठीक है। इनपुट को फॉरवर्ड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पी को किससे जोड़ेंगे बताइए, पॉजिटिव से, और एन को
निगेटिव से, ये क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड हो गया ना। पी को इधर देखिए, इधर एन है, एन को किससे जोड़ना निगेटिव से, पी को किससे जोड़ना पॉजिटिव से। बात समझ में आ रही है, ये हमने क्या कर दिया फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो दोनों साइड एन एन है, यहाँ भी दोनों साइड पी पी है, तो अब आप इसको कैसे फॉरवर्ड या रिवर्स करोगे? इसको तो रिवर्स करना है ना, आउटपुट को, आउटपुट को कैसे रिवर्स करोगे? तो अब इसके लिए अब हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझे थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको याद करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या समझे थे कि अगर एमीटर है तो उसके अंदर हाई डोपिंग है, एमीटर के अंदर हाई डोपिंग, और यही मान लीजिए कलेक्टर है तो इसके अंदर मीडियम डोपिंग है। कैसी डोपिंग है? मीडियम डोपिंग है। अच्छा बताइए, अगर एमीटर के अंदर हाई डोपिंग है तो अगर मैं मान लूँ एमीटर एन टाइप है, एमीटर क्या है एन टाइप, तो क्या उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ या ना भाई? इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मान लीजिए कितने होंगे 10, तो इसके अंदर कितने होंगे 6। अगर मैं होल्स की बात कर रहा हूँ, पी टाइप है, होल्स की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर कितने होंगे 10 और 6, तभी तो इसकी डोपिंग ज़्यादा है, इसकी डोपिंग मीडियम। अगर मैं इन दोनों में माइनस करूं, एक अप्रॉक्स वैल्यू निकालूं, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन होने वाला है? एमीटर। हाँ या ना? कंपेयर अगर कर रहा हूँ मैं एमीटर और कलेक्टर में, तो चूंकि एमीटर के अंदर डोपिंग ज़्यादा है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो अगर दोनों में कंपेयर करूँगा एन टाइप में, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन होने वाला है? एमीटर। तो हम यहाँ पे एमीटर को ही निगेटिव मानेंगे, एमीटर को क्या मान लेंगे? निगेटिव। क्या मान लेंगे? निगेटिव। और इसको क्या मान लेंगे कलेक्टर को? पॉजिटिव। कलेक्टर है एन टाइप, कलेक्टर है कैसा? एन टाइप। पर चूंकि हम यहाँ पे डोपिंग के कंपैरिजन में चेक कर रहे हैं, तो एमीटर के अंदर डोपिंग हाई है और कलेक्टर के अंदर डोपिंग मीडियम है, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी हो गई आपकी? एमीटर की हो गई। किसकी हो गई? एमीटर की हो गई। अब आप इसको रिवर्स कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ देखो, तो ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोएगा, ये पी है तो पी का पॉजिटिव ही रहेगा, और ये क्या बन जाने वाला है? निगेटिव। क्योंकि आप क्या देखो, एमीटर के अंदर डोपिंग क्या होती है? ज़्यादा होती है। एमीटर के अंदर डोपिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोएगा, और उसके कंपैरिजन में अगर आप कलेक्टर की बात करो तो वो निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूँ, एक छोटा सा कंपेयर देखता हूँ, जैसे मान लो ये हो गया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 6, ठीक है, मैंने दोनों में से 6-6 माइनस कर दिए, ये क्या हो गया 4 और 0। हाँ या ना? मैंने दोनों में क्या किया है? माइनस किया है 6। क्या किया है? माइनस किया है 6। अब मैं इसमें माइनस करता हूँ 2, क्या करता हूँ? माइनस करता हूँ 2, तो ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया? -2। इसका मतलब क्या है कि इसने अपनी प्रॉपर्टी ही क्या कर ली? चेंज कर ली। क्या कर ली? चेंज कर ली। पॉजिटिव से कैसा बन गया? निगेटिव बन गया उसके कंपैरिजन में। अब यहाँ पे करते हैं हम इसकी बाइसिंग। क्या करना है बच्चों? रिवर्स में करना है। क्या करना है? रिवर्स में। निगेटिव को किससे जोड़ोगे? पॉजिटिव से, और पॉजिटिव को निगेटिव से। एक बैटरी एक्स्ट्रा लगा देंगे। हाँ या ना? यहाँ देखिए, पॉजिटिव को किससे जोड़ना है? निगेटिव से, और निगेटिव को पॉजिटिव से। एक बैटरी एक्स्ट्रा लगा देंगे। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि दोनों जगह एन एन है, दोनों जगह पी पी है, तो किस हिसाब से जोड़ेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एमीटर के अंदर डोपिंग ज़्यादा है, तो इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करेगा, जबकि कलेक्टर अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देगा। ये क्या हो गया? पॉजिटिव निगेटिव। ये क्या हो गया? निगेटिव पॉजिटिव। करेंट की डायरेक्शन आपको याद है? करेंट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं? करेंट की डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ करेंट की डायरेक्शन कैसे बनने वाली है? वेरी गुड। यहाँ वेरी गुड। इधर ऐसे, इधर ऐसे। अब हम नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? इसका नाम देते हैं कि किसका क्या नाम आ रहा है। अब बच्चों देखिए, अब आपको जल्दी होगा, क्योंकि अब आपके बेसिक क्लियर हो गए ना, तो बेसिक जहाँ क्लियर हो जाएंगे आपके, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट होने लगेंगे। ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये वोल्टेज किसके बीच में लग रहा है? बेस के और एमीटर के। हाँ या ना? ये वोल्टेज किसके बीच में लग रहा है? बेस के और एमीटर के। तो इसका नाम क्या होगा? वोल्टेज एट बेस एमीटर। हाँ या ना? ये वोल्टेज किसके बीच में लग रहा है? एमीटर के और कलेक्टर के। किसके बीच में लग रहा है? एमीटर के और कलेक्टर के। तो ये क्या हो जाएगा? कलेक्टर और एमीटर। सिमिलरली ये बेस और एमीटर, वी एट बी ई, ये किसके लग रहा है? एमीटर और कलेक्टर के, तो वी एट सी ई। अब मैं करंट की बात करूं, आगे से कौन सी करंट निकल रही है बच्चों? बेस की करंट। किसकी करंट निकल रही है? बेस की करंट।
इधर क्या जाएगा आई बी, पीछे कौन सी जा रही है कलेक्टर करंट आई सी, आगे कौन सी निकल रही है बेस करंट आई बी, पीछे कौन सी जा रही है कलेक्टर करंट आई सी। समझ में आ गई, देख लीजिए फिगर, देख लीजिए एक बार फिगर पे जूम कर दीजिए सर, फिगर पे जूम कर दीजिए, फिगर पे ही है। अब इधर देखिए, अब मैं इसका करेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाता हूँ ना, अब मैं इसका इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाता हूँ, उसके बाद में इसका आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाता हूँ। सबसे पहले क्या बनाऊँगा, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व किसके लिए बना रहे हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हम किसके लिए बना रहे हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। किसके किसके बीच में बनता है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करेंट और कॉन्स्टेंट कौन रहेगा आउटपुट, हाँ या ना। इनपुट करंट क्या है फटाफट बताइएगा, आई बी। इनपुट करंट क्या है आई बी। इनपुट वोल्टेज क्या है वी बी ई, क्या है वी बी ई। आउटपुट वोल्टेज क्या है वी सी ई। बच्चों को समझ में आ गया भाई, बड़ा सिंपल है ना, बेसिक क्लियर है, देखिए आपका बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कब बनाते हैं, किसके बीच में बनेगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और इनपुट करंट को क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। आउटपुट वोल्टेज क्या है भाई वी सी ई, आउटपुट वोल्टेज क्या है वी सी ई। इनपुट आउटपुट का क्या है आई सी ना, आउटपुट करंट क्या है आई सी। कुछ कन्फ्यूज़न होगी बेटा तो पिछला जो अभी आपने इसकी पहले की जो रिकॉर्डिंग है उसको चेक कर लीजिएगा बेसिक्स की। इनपुट करंट कांस्टेंट होनी चाहिए ना, इनपुट करंट का मतलब क्या कांस्टेंट होना चाहिए, आई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अभी तक आपने क्या देखा, कॉमन बेस का कॉन्फ़िगरेशन देख लिया सिंबल के संग, और करेक्टरिस्टिक्स कर्व देख लिए, और कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, उसके करेक्टरिस्टिक्स कर्व देख रहे हैं। इसके लिए मैं कैमरामैन को धन्यवाद देना चाहूँगा, कब से वो जुझारू की तरह पकड़े हुए हैं। अब इसी के साथ हम लोग कॉमन कलेक्टर को समझेंगे, किसको समझेंगे, कॉमन कलेक्टर को। पहले इतना बना लीजिए आप लोग, आ रहा है जूम करो, जूम करो एक बार देखो, जूम करो ना ऐसे सुबह वगैरह से स्क्रीन शॉट लेना, और फिर और नहीं हो रहा, अरे ये हम पकड़े हैं ना, करो जूम करो और इधर ले आओ, तो इससे पूरा ये सब दिख जाएगा, क्लियर दिख जाएगा। अब उधर ले जाओ, इस पर टच कर लो, फोकस ले लो, बैक ले लो। अब हम बनाएंगे कॉमन कलेक्टर ना, अब फुर्ती में चलेंगे हम, ठीक है बच्चों। अब बनाएंगे कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर, ठीक, एनपीएन बना रहा हूँ, ठीक। कॉमन कलेक्टर की बात आ रही है तो ये आपका निकल गया, ठीक, ये आपका आ गया नीचे, ये आपका आ गया ऊपर, ये आपका एन पी एन, फिर इसको गोल घुमाया, बेस ये निकाल दिया, ये क्या है आपका पी एन पी। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं कॉमन कलेक्टर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कॉमन कलेक्टर, तो जो एरो होगा वो कहाँ होगा, ऊपर वाले में होगा, नीचे नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टर में एरो नहीं रहता। ये हो गया आपका एमीटर, ये क्या हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया आपका कलेक्टर, ये क्या हो गया आपका एमीटर, ये क्या हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया कलेक्टर। एरो बनाते हैं, पी से क्या होगा निकलेगी करंट, ये बन गया आपका एन पी एन का, किसका बन गया, क्लियर है आपको। पी से जाएगी भाई, ये किसका बन गया पी एन पी का, किसका बन गया पी एन पी का, शाबाश। अब तार ले आ रहे हैं, कुछ करना नहीं है अपने को, अब तो बस सिंपली क्या करना है, फॉरवर्ड और रिवर्स। बच्चों को समझ में आ गया ना, एक बार देखिए कॉन्सेप्ट में आपके मेहनत लगती है शुरू में, जो आपका अगर फ्रिक्शन आप पढ़े होगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, वो शुरू का जो हिंदी में पता नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब आपको
ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन जैसे ही आप काइनेटिक फ्रिक्शन में चले जाते हो ना, काइनेटिक वैल्यू क्या हो जाती है उसकी, कॉन्स्टेंट की, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की कम हो जाती है। यहाँ देखिए इसको क्या करना है हमको, फॉरवर्ड क्या करना है, फॉरवर्ड में क्या करेंगे, पी को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से, और एन को किससे जोड़ेंगे, निगेटिव से। हाँ या ना, इसको क्या करना है, रिवर्स, रिवर्स में आप ध्यान दे रहे हो, फिर से दोनों क्या आ गए हैं, एन एन आ गए हैं। फिर से आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे कि एमीटर अपने प्रॉपर्टी नहीं लूज़ करेगा, लूज़ कौन करेगा, शाबाश कलेक्टर। तो ये निगेटिव का निगेटिव ही रहने वाला है, ये क्या बन जाने वाला है, पॉजिटिव। और इसको हमें करना क्या है, रिवर्स, रिवर्स में पॉजिटिव को किससे जोड़ोगे, निगेटिव से, और निगेटिव को किससे जोड़ोगे, पॉजिटिव से। एक बैटरी और लगाते हैं। कैमरामैन थक गए क्या, थकान लग रही है कैमरामैन, तो हम लोग पॉज करके पानी यानी पी के वापस आ सकते हैं। यहाँ देखिए थक जाइएगा बताइएगा, एन को किससे जोड़ सकते हैं, निगेटिव से, और पी को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से। यहाँ फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं ना। और यहाँ देखिए यहाँ हमको क्या करना है, रिवर्स करना है, लेकिन पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से पॉजिटिव कौन है और निगेटिव कौन है, क्योंकि दोनों पी टाइप है। कॉन्सेप्ट क्या याद करेंगे कि एमीटर अपनी प्रॉपर्टी नहीं लूज़ करेगा, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और ये क्या बन जाने वाला है, निगेटिव। रिवर्स बायस करना है, निगेटिव को किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव को किससे जोड़ना है, निगेटिव से। एक बैटरी और लगा दिए। हाँ या ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कम समय के अंदर आप प्रॉपर करंट की डायरेक्शन के संग, प्रॉपर वोल्टेज के संग पूरे पूरे फिगर को समझ चुके हैं। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, तीनों के तीनों को आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से करंट की डायरेक्शन के संग आपको बनाना है। आज ही करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, वेरी गुड। नामकरण कर दें, नामकरण देखिए, वोल्टेज किसके बीच में लग रहा है, बेस और कलेक्टर के बीच में, तो क्या आ जाएगा, वी बी सी। ये किसके बीच में लग रहा है, कलेक्टर एमिटर के बीच में, वी ऑफ सी ई, वी ऑफ बी सी, भाई बेस और कलेक्टर, वी ऑफ सी ई। ये क्या आ गए, आपने वोल्टेज के नामकरण कर दिए, किसके कर दिए, वोल्टेज के। करंट के नामकरण करते हैं, आगे कौन सी करंट आ रही है, बेस की आ रही है, तो ये आगे क्या आ जाएगा, आई बी, बाहर किसकी है, एमीटर की, आई ई। ये क्या है, आई बी, ये क्या है आपकी, आई ई। बस बच्चों हम लोग पहुँच गए अपने आखिरी चीज़ पे, आखिरी चीज़ हम लोग निकालेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अपने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्या होती है, लेकिन अभी बस हम लोग बेसिक जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है उसको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का किसके बीच में लगाते हैं हम लोग, इनपुट करंट के बीच में और इनपुट वोल्टेज के बीच में आउटपुट वोल्टेज को रखना है कॉन्स्टेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, इनपुट वोल्टेज क्या है, वी बी सी, क्या है, वी बी सी, तो इधर क्या लिखेंगे, वी बी सी। इनपुट करंट क्या है आपकी, वी बी, क्या है, आई बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई बी। आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी सी ई, क्या है, वी सी ई, तो वी सी ई को क्या करना है, कॉन्स्टेंट, वेरी गुड। ये किसके लिए है, कॉमन कलेक्टर के। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटपुट करंट, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज, लेकिन इनपुट करंट को क्या रखना है, अब हमको कॉन्स्टेंट रखना है। तो देखते हैं आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट है आई ई, आउटपुट वोल्टेज है वी सी ई, और इनपुट करंट है आपकी आई बी, क्या है, आई आई बी को क्या रखना है, कॉन्स्टेंट, वेरी गुड। देखिए फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे नहीं समझ में आएगा, छोटा सा वीडियो है एक घंटे का, धीरे धीरे देखिएगा, मेहनत हम लोगों की भी लगी है, मेरी और जो मेरे कैमरा मैन हैं, वैसे मेरे कैमरा के पीछे इस समय लवकुश बैठे हुए हैं, बी एस सी सेकेंड ईयर में है, 2022 का वीडियो है, अभी जैसे जैसे चलता जाएगा तो और आगे अपने ईयर में पहुँचते जाएंगे। ये आपने अभी समझा कॉमन कलेक्टर के लिए, मैं चाहूँगा लवकुश से कि थोड़ा सा जूम करके बच्चों को कॉमन कलेक्टर का एन पी एन पी एन पी विथ आई सी सी मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिखा दें, उसके बाद हम बच्चों से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।